हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विद छगन अरोड़ा। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम प्रोफेसर मंजूश्री सर देश पांडे की पोएम ट्रेजर मोमेंट्स को हिंदी में एक्सप्लेन करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। दिस ब्यूटीफुल लाइफ हैज सो मच टू अनफोल्ड। ये जो सुंदर जिंदगी है, इसमें अभी बहुत कुछ बाकी है। अभी इसने कुछ ही चीज़ें हमें दिखाई हैं, बहुत सारा कुछ अनफोल्ड होना बाकी है। आई ट्रेजर ईच मोमेंट, मैं हर पल को संभालता हूँ, संजो कर रखता हूँ। इमोशंस टर्न गोल्ड, ये जो मेरे इमोशंस हैं वो तो गोल्ड से भी महंगे हो गए हैं। गॉड वीव्स हिज ओन पैटर्न ऑफ लाइफ, गॉड ने अपना जो लाइफ का जो अपना एक पैटर्न है उससे हमारी लाइफ को वीव किया है। द मिस्ट्री अनरेवल्स विद प्लेजर एंड स्ट्राइफ, ये जो लाइफ की मिस्ट्री है इसमें प्लेजर भी हैं और इसमें अनहैप्पीनेस भी है, स्ट्राइफ मतलब दुख भी है। ब्यूटीफुल लाइफ, ब्यूटीफुल लाइफ यहाँ पर एक रिफ्रेन है जो पोइटस ने चार बार चारों स्टैंजा के एंड में यूज़ किया है। और इसके अलावा ये जो पोएम है ये फ्री वर्स में लिखी हुई पोएम है। ईच माइल स्टोन हैज़ अ स्टोरी ऑफ इट्स ओवन, जिंदगी का हर पल जो है, माइल स्टोन मतलब वैसे तो मील का पत्थर होता है, जिंदगी का हर पल जो है वो अपनी एक कहानी कहता है। अमेजिंगली कंसीव्ड प्लॉट्स विद डिस्टिंक्ट सीड सोन, और हर पल की जो कहानी है वो कहानी कैसे है कि हमने जो भी बीज अलग अलग जो बीज बोए हैं, डिस्टिंक्ट सीड जो हमने अलग अलग बीज बोए हैं, उन बीजों से जो हमारे वही जो हमारे जो कर्म हैं वो हमारे फल में रिफ्लेक्ट होते हैं। एवरी रिलेशन, हर जो रिलेशन है, अ स्वीट फ्रेग्रेंस, एक मधुर सी स्वीट सी स्मेल है। अ पेरिनियल जो है, पेरिनियल मतलब होता है जो सारा साल चलता है। हर रिलेशन जो है वो एक उसमें एक एक फ्रेग्रेंस है, वो सारा साल हमारे लिए सारा साल खुशी देता है। स्वीप्स योर हार्ट, वो हमारे पल जिंदगी को सारे जो वो जो हर रिलेशन हमारी जिंदगी को खुशियां देता है, हमारे दिल को खुशियां देता है। गिव्स रीजन टू इन्जॉय, वो हमारे लाइफ को कुछ रीजंस देता है कि क्यों हमें लाइफ को इन्जॉय करना चाहिए, यानी कि लाइफ में इन्जॉय के लिए हमारे रिलेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर ब्यूटीफुल लाइफ रिफ्रेन, दिस ब्यूटीफुल कनवास ऑफ लाइफ स्केच टेंडर ह्यूज, अब उसने जो लाइफ है उसको एक कैनवास के साथ मेटाफोरिकली बोलती है कि ये जो हमारी लाइफ का सुंदर सा कैनवास है, कैनवास होता है जिसके ऊपर पेंटर्स ड्राइंग करते हैं, वो पर्दा सा, उस पर्दे पर वो कहता है कि लाइफ ने हमारी, गॉड ने हमारी लाइफ के कैनवास पर कुछ प्यारे प्यारे से, टेंडर से, सॉफ्ट सॉफ्ट से रंग जो है ड्रा किए हैं। व्हाट अ मार्वलस ब्लेंड ऑफ हैप्पीनेस एंड रूस, वो जो ये जो जिंदगी का कैनवास है ये एक ब्लेंड है, एक मिक्सचर है, इट्स अ मिक्सचर ऑफ हैप्पीनेस एंड अनहैप्पीनेस, खुशी और गम दोनों का एक बहुत ही शानदार सा मिक्सचर लाइफ में गॉड ने हमें दिया है। ईच शेड इज़ ए वैल्यूएबल गिफ्ट, ये जो हर एक शेड है ये एक वैल्यूएबल गिफ्ट है, चाहे वो कभी लाइफ में हमें खुशी मिले वो वैल्यूएबल हैं, और अगर गॉड हमें कभी गम देता है वो भी वैल्यूएबल हैं। केयरफुली चूजन मीनिंगफुल लिफ्ट, ये जो कलर है, ये जो लाइफ की हैप्पीनेस है या अनहैप्पीनेस है, ये गॉड ने बहुत ही केयरफुली चूज किया है, एक मीनिंगफुल हमें लिफ्ट दी है। अब ये जो लास्ट स्टैंजा, इसमें वो प्रॉपरली, क्योंकि ये एक ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है, इसमें वो आई का यूज़ कर रही हैं, तो ये इस ऑटोबायोग्राफिकल पोएम के अंदर इन्होंने अब लास्ट स्टैंजा में स्पिरिचुअलिटी की बात करती हैं। टूडे व्हेन आई स्विम इन दिस ओशियन ऑफ हैप्पीनेस, आज जब मैं इस खुशियों की के जीवन में स्विम कर रही हूँ, तैर रही हूँ, लेट मी वॉश ऑल द सोरोस टीयर्स एंड स्ट्रेस, जब भी हम जिंदगी में, जब हमें इस जिंदगी में चलना होगा तो हमें हमेशा हमारे जितने भी दुख हैं, टीयर्स हैं, स्ट्रेस है, तनाव है, इसे हमें पीछे छोड़ना होगा। लाइफ में खुशी, खुश रहने का एक ही तरीका है कि जो आपके पास में खुशी है उसी को आप
जो कुछ भी गॉड ने आपको दिया है, आपको चाहे वो दुख दिए हैं, खुशियां तो हमें मेंटेन करनी है, लेकिन जो दुख दर्द तकलीफ जो स्ट्रेस गॉड ने दिया है उसको आपको पीछे छोड़ना होगा। ये गॉड से क्या रिक्वेस्ट करती है, किंडल मी विद रीजन एंड लाइट। किंडल मी विद रीजन, रीजन मतलब इंटेलिजेंस। वो कहती है कि गॉड और गॉड प्लीज गिफ्ट मी इंटेलिजेंस एंड लाइट, लाइट ऑफ नॉलेज। हमें मुझे आप इंटेलिजेंस दीजिए, नॉलेज दीजिए। ओ गॉड, ओ एपोस्ट्रोफी यूज करती हैं, ओ गॉड बेस्टो दैट डिवाइन इंसाइट। मुझे आप वो डिवाइन इंसाइट दीजिए जिससे मैं आपको प्राप्त कर सकूं। आई होप ये छोटा सा वीडियो आपको एग्जाम में हेल्पफुल होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू, हैव ए गुड डे।